11 जनवरी 1982। उस दिन तक बॉम्बे पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसे लोग याद रखते हैं। मुझ में ही खुजली थी। कैसा है मुंबई सागा का टीजर, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। फाइनली मुंबई सागा का टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है, जमकर बवाल मचा रहा है। फिल्म की कहानी अब जानते हैं कि बॉम्बे से आखिर मुंबई कैसे बना। आज मुंबई में चमचमाती बिल्डिंग्स आपको दिखती होंगी, लेकिन ये हमेशा से नहीं था दोस्तों। पहले मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, न जाने कितने गैंगस्टर्स और पुलिस की लड़ाई यहाँ पर हुई, सरकार और अंडरवर्ल्ड की लड़ाई हुई, और तब जाकर बॉम्बे से मुंबई बना। उस वक्त राज चलता था गैंगस्टर्स का, और ऐसी ही कहानी लेकर आ रही है मुंबई सागा, जहाँ पर गैंगस्टर होंगे हमारे जॉन अब्राहम, जिनकी बंदूक की गोलियों से डरते हैं, थर्राते हैं लोग, और जंगल का शेर उन्हें कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ जंगल का शेर है वहाँ उसे चैलेंज करने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो इस शेर को चैलेंज करने वाले हैं हमारे इमरान हाशमी, जो कि करप्शन के तले नहीं दबे हैं, उनका ज़मीर है, और वो पुलिस का जो नौकरी है, पुलिस का जो उन्होंने हासिल किया है, वो निभाते हैं, उसे अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और साथ ही गैंगस्टर का खात्मा करने के लिए इस फिल्म में वो तैयार है। यानी कि इस फिल्म में हीरो वर्सेस हीरो की लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है, जहां एक तरफ जॉन होंगे जिनका एक डायलॉग ही सब पर तीर छोड़ देता है, तो वहीं इमरान हाशमी आंखों से पूरी एक्टिंग करवा देते हैं, पूरी एक्टिंग स्कूल आपको सिखा देंगे। तो दोनों तरफ तगड़े एक्टर्स हमारे हैं, और हीरोइन के तौर पर आपको काजल नज़र आने वाली है, काजल अग्रवाल, और हो सकता है कि काजल अग्रवाल की वजह से ही इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम का फेस ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टर है संजय गुप्ता, जिन्होंने शूट आउट बटाला और काबिल जैसी फिल्मों से अपने निर्देशन का जादू लोगों पर चलाया, और अब वो मुंबई सागा को लेकर आप सबके सामने आने वाले हैं। संजय गुप्ता ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि 25 साल और 17 फिल्मों के बाद अब मैं अपनी ऑडियंस को कुछ बड़ा और अच्छा देने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि भूषण कुमार इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पर भरोसा किया, और ये एक ऐसी कहानी है जिसे पर्दे पर आना बहुत ज़रूरी है। खास बात यह है कि फिल्म के निर्देशक संजय गुप्ता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। साल 1994 में उन्होंने फिल्म आतिश के साथ अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी, तो वाकई धमाल मचाने को तैयार है जॉन और इमरान। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।